हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो अक्सर लेडीज हमसे पूछती हैं, क्या होने वाला वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है और किन किन कंडीशन में इसको नॉर्मल माना जाएगा? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ी बहुत मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वजाइना को हेल्दी रखता है, वजाइना की पीएच मेंटेन रहती है और किसी भी तरह की वजाइना में ड्राइनेस नहीं हो पाती, मतलब वजाइना को लुब्रिकेट रखता है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वजाइना को बचाता है। अब जैसा कि आप लोगों ने पूछा है या कन्फ्यूज़न है कि किन किन कंडीशंस में इसको नॉर्मल मानेंगे, तो वो देखिए, कुछ कंडीशंस जैसे कि ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, बिफोर पीरियड्स एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, अगर वजाइनल डिस्चार्ज आपको थोड़ी बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है तो इसको नॉर्मल ही माना जाता है। एक और कंफ्यूजन जो आप लोगों के दिमाग में अक्सर रहता है कि कब हम इसको नॉर्मल मानना है, कब इसमें और कब वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल है, मतलब कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर होने वाला वाइट डिस्चार्ज वाइट है, थिन है और किसी भी प्रकार की फाउल स्मेल नहीं है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर होने वाला वाइट डिस्चार्ज येलो कलर का है, ब्राउनिश है या डर्टी है और इसमें कोई फॉल स्मेल है और साथ ही साथ इससे आपको वजाइनल इचिंग, बर्निंग, पेल्विक पेन आदि सिम्टम्स देखने को मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप चाहती हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन प्राप्त कर सकती हैं और किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप पूछ सकती हैं। Thank you so much.